67वीं बीपीएससी रिजल्ट को लेकर जो बीपीएससी के छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और पटना के जेपी गोलंबर के पास इन लोगों ने पूरी तरह से जाम कर रखा है। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि ये जो रिजल्ट आया है इसमें 9 सवाल गलत था। ऐसे में बीपीएससी को इस पर विचार करना चाहिए और फिर से रिजल्ट जारी करना चाहिए। साथ ही इनका यह भी आरोप है कि इस रिजल्ट में धांधली किया गया है, ऐसे में बीपीएससी के जो सचिव हैं उनको हटाया जाए। और इसको लेकर ये लोग पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अभी पटना कॉलेज से ये सभी जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था जिनका रिजल्ट नहीं आया है महज 1 नंबर और 2 नंबर की वजह से, तो ऐसे में वो सभी छात्र यहाँ पर पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं जेपी गोलंबर के पास, जहां पर पुलिस ने उनको रोक रखा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाएगा। क्योंकि इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अगर वो 9 सवाल जो गलत है बीपीएससी अगर उसको मान लेता है तो जितना रिजल्ट आया है उसमें और पढ़ाना पड़ सकता है, संशोधन करना पड़ सकता है। और उसी को लेकर ये तमाम बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया था वो सड़कों पर उतरकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना कॉलेज से चलकर और यहाँ तक पहुँचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं बीपीएससी पीटी रिजल्ट उपस्थिति का 10% दिया जाए। साफ तौर पर इनका मानना है कि जो रिजल्ट आया है उसमें संशोधन होना चाहिए और अगर इस रिजल्ट में संशोधन होता है तो और कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो पास हो सकते हैं। लगातार आप लोग का विरोध प्रदर्शन जारी है। हम लोग का बिहार सरकार से भरोसा धीरे धीरे युवा का टूट रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि ये सरकार गिर जाएगी। कमीशन के विद्यार्थी को जानबूझकर कम कटअप करके कम रिजल्ट दिया गया ताकि मेंस लिखने वाले लड़के बाहर हो जाएं और मतलब ये लोग भ्रष्टाचार करें। अतुल प्रसाद सिन्हा हो गए या जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उन सबको बर्खास्त करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, अभी तक वो अपने संज्ञान में नहीं लिए। हम लोग जब चीफ सेक्रेटरी बिहार के अमीर सुबहानी के पास सेकंड बार गए थे वो बोले, आश्वासन थे कि हम सीएम को बोलेंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं बोले, इसीलिए हम लोग तीसरा बार निकले हैं। तो फिर से एक बार जो ये तमाम छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि या तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए और उसी को लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक हम लोग को पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाएगा, सीबीआई जांच नहीं हो जाएगी, आखिर कब तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे? हम लोग अधिकारी बनने के लिए निकले हैं, महोदय अतुल प्रसाद जी, हम लोग को बेबस ना किया जाए, सड़कों पे ना उतरने के लिए मजबूर किया जाए। अभी हम लोग हॉस्टल में पढ़ रहे होते, आप लोग की रवैया की वजह से हम लोग अभी सड़क पे हैं। बार बार 24 घंटे 72 घंटे का समय लिया जा रहा है, फिर भी हम लोग को कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर कब तक चलता रहेगा? हम लोग का सपना अधिकारी बनना, लेकिन आप लोग ने हम लोग को आंदोलनजीवी बना चुके हैं, बार बार आंदोलन करना कब तक जरूरी है? आप लोग भी कभी रहे होंगे स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट रहे होंगे तभी आप कमीशन में बैठे हुए हैं, तो हम लोग की बात को सुनिए महोदय। जब तक बात को सुनेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। बिहार का ऐसा ही नाम धूमिल होते जा रहा है, कब तक आखिर खुद धूमिल होते जाएगा? सर्वोच्च है कमीशन, बिहार का बीपीएससी सर्वोच्च कमीशन है, अगर इसी में धांधली होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, बिहार बर्बाद होते जाएगा। तो ये तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यह मांग है कि जब तक इनके बातों को नहीं सुना जाता है तब तक इनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका सीधे तौर पर मांग है कि अगर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी तो कई ऐसे लोग हैं जो गिरफ्त में आ जाएंगे जिन्होंने धांधली किया है। ऐसे में ये छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया।